तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो हमारा बेस्ट टॉपिक है या बोलना चाहिए मैथ्स का बिल्कुल बेस है, और वह है परसेंटेज। अगर परसेंटेज किसी भी विद्यार्थी को समझ में आ गया तो आप मान के चलिए परसेंटेज के आधार पर आप 2 से 3 टॉपिक यहां पर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जिसका विद्यार्थी का, जिस स्टूडेंट का अगर परसेंटेज क्लियर है तो आप मान के चलिए कि वह लाभ हानि के प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के प्रश्न वह आसानी से बना सकता है। जिस विद्यार्थी का अगर यह टॉपिक क्लियर है परसेंटेज, तो वह अगला टॉपिक जो बनाएगा वह बनाएगा साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक आसानी से बना सकता है। इसके अलावा साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के भी प्रश्न वह आसानी से हल कर सकता है। यानी अगर आप परसेंटेज अपना क्लियर करते हैं तो परसेंटेज के टॉपिक तो क्लियर होगा ही होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लियर होगा, साधारण ब्याज के प्रश्न भी आसानी से बना सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न भी आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी अगर मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए वह है परसेंटेज। परसेंटेज को कि मैंने फिर से बता दूं कि यह क्या है, आपके मैथ्स के बिल्कुल आधार की तरह, आधार स्तंभ की तरह कार्य करेगा, इसलिए परसेंटेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको कहा जाए कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की गई है, अगर आपको बोले किसी संख्या में हमें 10% की वृद्धि करनी है, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इसमें ध्यान समझिए, ठीक, कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि आपको करनी है, तो 10% की वृद्धि हम कैसे करेंगे। मान लीजिए वो संख्या है x, क्लियर है, वो संख्या क्या है, x है, x हमें 10% बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, x का 10% निकालेंगे और x में ही जोड़ देंगे, क्लियर, इस प्रकार की प्रक्रिया होगी, तब क्या होगा, 10% यहां पर बढ़ जाएगा। अब यहां पर अगर हम x कॉमन ले लें तो x कॉमन लेने पर क्या होगा, यहां पर 1 बचेगा, ये 10/100, क्लियर है, और फाइनल आपको मिलेगा x इंटू एलसीएम लेने पर 100 और 10 जोड़ने पर 110 और बटा 100, यानी x इंटू 110/100। यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि किसी संख्या में, जिस संख्या को हमने x माना, किसी भी संख्या में आपको 10% वृद्धि करना था, 10% वृद्धि करना था, तो आपने ये रूल अपनाया, बट अब हमें यह तरीका नहीं अपनाना है। किसी भी संख्या में अगर 10% बढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे, सीधा 100 में 10 जोड़ देंगे। जैसे अगर मान लो की बात, यहां पर आपको कहा जाए कि चलिए 20% की वृद्धि कीजिए, किसी संख्या में 20% की वृद्धि कीजिए, तो आपको यह तरीका नहीं अपनाना है। अब आप डायरेक्ट बोलेंगे, सर अगर 20% बढ़ाएंगे तो हम संख्या में डायरेक्ट 120/100 लिख देंगे। अब ये 120/100 कहां से आया, मैंने कहा कि 100 में क्या करना है, इस परसेंटेज को जोड़ देना है और 120 लिख देना, और 120/100 कर देना, जो चीजें यहां पर की है हमने। अगला मैंने आपको कहा, मान लीजिए कि भैया आप क्या कीजिए, 30% बढ़ाइए, 30% वृद्धि कीजिए, 30% वृद्धि, तो 30% वृद्धि की बात जब आई तब आपने क्या किया, x में 130/100 कर दिया, यानी 100 में आप क्या जोड़े, 30 जोड़े, तो क्या बन गया, 130, और 130/100 को अगर किसी संख्या में अगर आप गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, उसमें 30% की वृद्धि हो जाएगी। यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है कि 30% निकाले फिर संख्या में जोड़े, ये प्रोसेस को हमको छोड़ना है और इस तरीके को अपनाना है, क्लियर है क्या। अब इसी में ये तो हो गई वृद्धि की बात, अगर इसी में कमी की बात आ जाए, कमी की बात ध्यान से देखेंगे, किसी भी छात्र को कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसे हम लोग बिल्कुल आपको, आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, क्लियर है यहां तक चीजें। चलिए अगला पॉइंट देखिए, मान लीजिए यहां पर कहा गया 10% की किसी संख्या में कमी हो गई, किसी संख्या में 10% की कमी हो गई, ठीक, मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है, ठीक है, जैसे हम हमेशा से मानते हैं, मान लिए हम वो संख्या क्या है, x है। अब x में कमी हुई, कितने की कमी, 10% की, तो x का 10% क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब x में 10% कमी किए तो यहां पर x को हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए और 1- क्या लिखे, 10/100 लिखे, ठीक। इसके अलावा यहां पर 100- जब 10 होगा बटा 100 होगा, तो यहां पर हमें फाइनल मिलेगा, यहां पर क्या, x इंटू 90/100, x इंटू
90/100। ठीक, तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आई कि जब मैंने 10% की कमी की, जब मैंने किसी संख्या में, मान लिया वो संख्या x है, उस संख्या में अगर 10% कमी की तो मैंने 100 में क्या कर दिया, 10 कम कर दिया और क्या लिख दिया, 90। जब वृद्धि करना था तो 100 में मैंने 10 बढ़ा दिया, 110 लिख दिया, और कमी करना था 100 में 10 कम कर दिया, 90 लिख दिया। ये पॉइंट समझ में आया। इसके अलावा अगर आपको कहे कि हमें संख्या में 20% की कमी करनी है तो बताइए क्या होना चाहिए, तो हम मानेंगे संख्या क्या, अगर x है तो x में अगर 20% कमी, मतलब 100 में 20 कम करना पड़ेगा, और 100 में जब 20 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80, और हम लिख देंगे क्या, 80/100। क्लियर है यहां तक चीजें। इसी में अगर आपको बोल दे कि भैया हमको क्या करना है, 30% की कमी करनी है, 30% की कमी करनी है, तो 30% कमी कैसे होगी, जब हम संख्या मानेंगे x और x में 30% कमी होने पर क्या हो जाएगा, 70/100, क्योंकि हमने क्या किया, 100 में 30 घटाया और संख्या बन गई क्या, 70/100। यानी किसी भी संख्या में आपको कमी करनी है तो उस संख्या में 100 से उतने को माइनस कर दीजिए और जो भी नंबर आया उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह हो जाएगी कमी और वृद्धि वाले प्रश्न। बहुत ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट चीजों को समझना है, हमें कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ना है। क्लियर, जिसमें हम x का 10% निकाले, पूरी संख्या लिखे, फिर 10% माइनस के, कहीं ना कहीं हमारा समय जा रहा है। क्लियर, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि आगे चलकर व्यापम का जो एग्जाम होने वाला है और जितने भी एग्जाम होंगे वहां पर समय को कम किया जा रहा है, और समय को कम करना मतलब कि आपके लिए मैथ्स में हर क्वेश्चन के पीछे लगभग 1 मिनट ही आपको समय मिलेगा, और 1 मिनट में या बोलना चाहिए 60 सेकंड में ही आपको प्रश्न हल करने हैं। और 60 सेकंड में आप प्रश्न कैसे हल करेंगे, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा ना हो, बहुत अच्छा ना हो, तब तक आप कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रिक्स में नहीं जा पाएंगे और ट्रिक्स आपको समझ में भी नहीं आएंगे। इसीलिए आपको एकदम बेसिक समझना भी जरूरी है। जितने भी छात्र जुड़े हैं, चाहे वो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रांग कर लेते हैं, और बेसिक स्ट्रांग करने के बाद आपके हर प्रश्न आसानी से बनेंगे ही बनेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और आप इस क्लास को अगर देख रहे हैं तो यहां से आप मान के चलिए हर क्लास में आपको एक ऐसा प्रश्न करवाया जाएगा ही जो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, और वहां से प्रश्न आते ही आते हैं। क्लियर, चलिए अब देखिए, इसी के आधार पर अगर हम मान लो कि बात कुछ अगर क्वेश्चन ले लें, जैसे कि आपको एक प्रश्न दिया गया है कि ₹500 में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, ₹500 में 20% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, ₹500 में 20% यदि बढ़ा दिया जाए, तो ₹500 में अगर 20% बढ़ गया तो ₹500 कितना हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा प्रश्न है, ₹500 में 20% बढ़ाना है। तो जैसे मैंने बताया कि किसी संख्या में अगर आपको 20% बढ़ाना है तो आपको 100 में 20 जोड़ना पड़ेगा, और 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120, और 120/100 यहां पर एक नई संख्या, एक नया भिन्न बन जाएगा। क्लियर है, अब 120/100 को आप गुणा कर दीजिए किस में, 500 में, और जब आप गुणा करेंगे तो आपको कितना रुपए मिल जाएगा, ₹600। यहां तक चीजें समझ में आई क्या, यानी ₹500 कितना बन गया, जब 20% बढ़ा तो ₹600 बन गया, यानी हमने क्या किया, डायरेक्ट 120/100 का गुणा कर दिया, इससे क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। क्लियर, इसी में अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यदि हमें दे देता कि ₹500 में यहां पर क्या हो गई, 20% की कमी हो गई, 20% कमी, या ये रुपए में कमी आ गई, डिक्रीज हो गया। क्लियर, अगर कमी की बात बोल दिया तो इसी ₹500 में हमको क्या करना है, जैसे मैंने बताया 100 में क्या किया हम 20 जोड़े, तो 100 में क्या करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, और 20 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100, और जब इनका मल्टीप्लीकेशन या गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ₹400। यहां तक चीजें समझ में आई, यहां पर ₹500 में हमने क्या किया, 20% बढ़ाया, ₹600 बन गया, और यहां ₹500 में हमने क्या किया, 20% कमी, और 20% कमी करना तो आप 80 का गुणा कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, ₹400। ठीक, यानी आपके माइंड में इतना चीजें जो है आपके एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कभी भी वृद्धि बोला तो आप 100 में जोड़ दीजिए, कमी बोल दिया तो 100 में माइनस कर दीजिए, 25% वृद्धि आने 125, 25% कमी मतलब 75%, 40% वृद्धि मतलब 140, 40% कमी मतलब 60%,
ये डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये परसेंट को डायरेक्ट आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, वो नंबर में कमी या वृद्धि हो जाएगी। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, जहां तक बिल्कुल बेसिक चीजें हम लोग समझ रहे हैं, और बेसिक टू आपके जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी टू टफ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया हो जहां तक, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो परसेंटेज में आपको जानना है। अब हम जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ठीक, अब देखिए आपको सबसे पहले यह क्वेश्चन का फ्रेम समझना है, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें आपको हमेशा एक सिंगल परसेंट दिया होगा, और सिंगल परसेंट में एक तरफ वृद्धि तो दूसरी तरफ कमी पूछेगा, और अगर यहां पर कमी दिया होता तो दूसरी तरफ आपको वृद्धि पूछता। यह क्वेश्चन की खासियत है, और इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसे देखिए। ठीक, जैसे कि यहां पर कहा गया चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हुई तो कितनी उसमें कमी कर देनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए चीनी का भाव पहले 100 रुपए रहा होगा, क्लियर, इसमें क्या हुआ चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि होने के बाद ये कितना हो गया चीनी का भाव, 120 रुपए हो गया। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 20% का। आपको पूछा क्या है कि चीनी के भाव में कितने परसेंट की, कितनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो कमी के बारे में परसेंट में पूछा हुआ है। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि, तो 100 का कितना बन गया 120, 120 से कितना कम किया जाए तो 100 बन जाए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा कि हम अगर 20% बढ़ाएं तो 20% की कमी करनी चाहिए, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो इसी को आंसर लगा देते हैं, बट ये गलत है। ध्यान दीजिए यहां पर, अब जब आपने 100 से 120 बढ़ाया तब आपका आधार क्या था, 100 था, और 100 आधार होने के कारण 20% जब वृद्धि हुई तो क्या बन गया 120। कैसे हुआ, 100 इंटू क्या किए हम, वृद्धि कैसे करते हैं अभी आपको मैंने सिखाया था, 120 बटा 100, और ये क्या बन गया 120 बन गया। ये हो गई वृद्धि 20% की, 20% की वृद्धि मतलब 120। डन, अब यहां पर बताइए कमी कितनी की हो रही है, कमी हो रही है सर, आप बोलेंगे 20 की कमी हो रही है, बट ये 20 की कमी हो रही है उसके लिए आधार क्या है, इस बार जो आधार है 100 नहीं रहेगा, इस बार आधार बन जाएगा क्या 120, और 120 अगर आधार बन गया तो यहां पर क्या होगा 20/120 × 100। क्लियर है क्या, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/6 × 100%, इसे हम लिख सकते हैं क्या 16.67% या 16/2/3%, यानी 16/2/3% की क्या हो गई इसमें कमी हो गई। क्लियर है, अब देखिए जिन छात्रों को अभी मैंने पिछला एक टेबल सिखाया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक, अगर उनको पता है तो 1/6 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 16/2/3% लिख सकते हो, वरना आपको 1/6 को क्या करना पड़ेगा इसमें कैंसिल करना पड़ेगा और आपका समय इसमें जाएगा। क्लियर है क्या, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले फ्रैक्शन टू परसेंटेज का एक रोल बताया कि वो आगे चलकर आपको कहां यूज होगा। तो 1/6 को आपको 100 में गुणा भी नहीं करना पड़ता, ये फ्रैक्शन जैसा है उसको वैसे ही रहने देते, और 1/6 को डायरेक्ट आप लिखते क्या 16.67% या 16/2/3% की कमी। यहां तक चीजें समझ में आई क्या, तो आप क्वेश्चन के फ्रेम को सबसे पहले समझिए, सिंगल परसेंट वाला ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक तरफ अगर वृद्धि पूछेगा तो दूसरी तरफ कमी पूछेगा, या तो यहां पर कमी देगा तो आपको वृद्धि पूछेगा, ये क्वेश्चन में ऐसे ही फ्रेम है और बहुत बार व्यापम के एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पी क्यू से 50% अधिक है तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है बोला है। क्लियर है, तो पी की बात किया यहां पर P और दूसरा लिए हैं Q, क्लियर है, P और Q में कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है, P और Q में P को अगर मैं मान लिया 100, P को अगर मैं 100 मान लूं तो कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, बोलेंगे सर 50% की यहां पर क्या हुई है वृद्धि, और अगर 50% की वृद्धि हुई तो ये क्या बन गया 150, और ये क्या बन गया आपका Q। देन अब बोला है कि भाई
क्यू पी से कितना परसेंट कम है, तो हम कहां आएंगे, रिवर्स आएंगे। ठीक, अब बताइए जब हम P से Q की तरफ गए तो आधार बना 100, अब Q से P की तरफ आ रहे तो आधार क्या बनेगा 150, और दोनों के बीच का अंतर कितना है 50 का अंतर है। ठीक, तो आपको जितना कमी हो रहा है उसे निकालेंगे कैसे, 50 की जो कमी हुई है वो आधार पर किस पर 150 पर हुई है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 1/3। अब ध्यान से देखिए आपको दिख रहा है क्या 1/3 इंटू 100। अब देखिए जिन बच्चों को फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद है वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहां पर जब उनको दिखा कि सर ये तो क्या लिखा है 1/3 लिखा है, तो आपको अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 33.33%, अगर आपको याद है तो। इसके अलावा आप बोल सकते हैं 33.1/3%, पूछा क्या है कमी, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, इतनी कमी है, इतना कम है, क्लियर है क्या। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन का बताया जिस क्वेश्चन का फ्रेम कैसा रहेगा, सिंगल परसेंट दिया रहेगा, और सिंगल परसेंट वाले क्वेश्चन को आपको बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व कर लेना है, क्लियर है। यहां पर बिल्कुल ये इससे शॉर्ट और नहीं होगा, यही तरीका आपको अपनाना है, और एग्जाम में आप देख लीजिएगा व्यापम के एग्जाम में ये पूछा हुआ है और आगे पूछा भी जा सकता है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी धन के प्रत्येक किनारे 10% अगर बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ छेद में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, क्लियर है। यहां पर यह दिया हुआ है घन, घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए, देन तो पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जैसे कि आपको पता है कि अगर क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब में तीन चीजें होती है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, एक हाइट होता है, तीन चीजें होती है। बट आपको पूछा क्या है क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल यानी कि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, दो डायमेंशन होते हैं, और अगर यही अगर आयतन बोलता, आयतन, तो आयतन में कितने डायमेंशन होते हैं, तीन डायमेंशन होते हैं, क्षेत्रफल में दो डायमेंशन और आयतन में कितने डायमेंशन, तीन डायमेंशन। अगर आपको दो डायमेंशन वाले क्वेश्चन पूछे तब क्या करना है, और तीन डायमेंशन वाले क्वेश्चन पूछे तब क्या करना है, उस चीज को ध्यान देना, ठीक है। आपको कभी भी घन, घन बोले, घनाप बोले, ठीक है, गोला या स्फेयर बोले, गोला, शंकु, ठीक है, शंकु, इसके अलावा बेलन, सिलेंडर, ये सभी जो है 3D हैं, तीन डायमेंशन वाले। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके अगर 2D में देखें तो वर्ग है, आयत है, आयत, वृत्त है, ये सब क्या है आपके 2D डायमेंशन, दो डायमेंशन वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया तो घन है तीन डायमेंशन, बट पूछा किस लिए है, एरिया के बारे में पूछा है, और एरिया क्या होता है, दो डायमेंशन आधारित होता है। जब भी आपको दो डायमेंशन पर प्रश्न करे, दो डायमेंशन आधारित जब भी आपको प्रश्न पूछे तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, दो डायमेंशन पर आधारित आपका प्रश्न है। देखिए बोलता है प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया, मान लीजिए ये घन का पहले क्षेत्रफल रहा होगा, क्लियर, 100 रहा होगा, एक पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया 100 रहा होगा, इसमें क्या किया गया 10% बढ़ाया गया। अब देखिए 10% जो बढ़ेगा, तो 10% बढ़ाने का मतलब आपको मैंने बताया है, 10% बढ़ाना वृद्धि मतलब क्या होता है 110 होता है, क्लियर, क्योंकि दो डायमेंशन आपको निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए 110 को आप क्या कर दीजिए, दो बार गुणा कर दीजिए, क्लियर है। 110 को कितने बार गुणा किए, दो बार, क्यों, क्योंकि आपको क्षेत्रफल पूछा है जिसमें दो डायमेंशन होते हैं। यदि आयतन के बारे में पूछता, आयतन में कितनी वृद्धि, तो इसी 110 को तीन बार गुणा करते, क्षेत्रफल बोला है इसलिए क्या किए, दो बार गुणा। जब आप इसे दो बार गुणा करेंगे तो दो बार गुणा करने पर क्या होगा, तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 100 × 110, कैंसल आउट यहीं कर लेते हैं हम लोग, यहां पर 20 कैंसल आपके, ठीक, 20 कैंसल, ये 20 यहां कैंसल, कितना बचा आपके पास 11, 11, 121, 121, क्लियर है क्या।
ये क्या है आपके पास, नया क्षेत्रफल, नया एरिया, सरफेस एरिया, और पुराना जो था, पुराना क्षेत्रफल हमने क्या माना था, 100 माना था। क्लियर है? तो आप यहां पर देख के बताइए, पुराना जो सरफेस एरिया था वह था 100, और नया सरफेस एरिया कितना हो गया, 121। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यही तो पूछा है। तो आप यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो वृद्धि कितना मिल रहा है, वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना होगा, 121 माइनस 100 बटा 100 इंटू 100, ये हो गया। आपको कितना मिल रहा है यहां पर, ये जीरो कैंसल, आपको मिलेगा 21% की वृद्धि। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? फिर से आपको बता दूं, जब भी दो डायमेंशन देगा तो दो बार गुणा करना, तीन डायमेंशन देगा तो इसी सेम नंबर को तीन बार गुणा कर देना। क्लियर है यहां तक? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपको दो डायमेंशन वाला एक आयत दिया है, लंबाई और चौड़ाई में, लेंथ और ब्रेथ में क्या किया गया, 10% और 8% को क्या किया गया, बढ़ाया गया। 8% की वृद्धि, यहां पर वृद्धि की गई 8% की, इसके अलावा 10% क्या हुई है, कमी हुई है। तो बताइए ऐसा करने पर क्षेत्रफल में, एरिया में कितनी कमी आएगी। क्लियर है? तो यहां पर आप बताइए, ये 2D वाला क्वेश्चन है कि 3D वाला क्वेश्चन है? तो हमने देखा कि एरिया पूछा है, मतलब ये 2D वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 2D दो डायमेंशन वाले क्वेश्चन है, यानी यहां पर मल्टीप्लीकेशन जो होगा दो बार होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि पुराना क्षेत्रफल या पुराना जो एरिया है वह कितना था हमारे पास, 100 था। पुराना क्षेत्रफल कितना था आयत का, हमारे पास 100 था। ठीक है, आपको बिल्कुल ज्योमेट्री का कोई लॉजिक नहीं लगाना, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही लॉजिक लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। पुराना क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब अगर नया क्षेत्रफल हम निकालेंगे, नया क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, 100 में वृद्धि करेंगे। 100 में पहले बोलता लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि, 8% की वृद्धि। 8% की वृद्धि मतलब मैंने आपको बताया था, 8% की वृद्धि या 10% की वृद्धि को हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे। 100 में जैसे ही 8 जोड़े क्या बन गया, वो 108, और क्या लिख दिया हमने, 108% इंटू 10% की क्या हुई है, कमी हुई है। 10% कमी मतलब कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, 90/100। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया, ये 100 कैंसिल, यहां पर 10 यहां पर कैंसिल। क्लियर है? तो आपके पास क्या बचा, 9/8 72, और 9/8 72 और 9 × 1 = 9, 972/10, यानी फाइनल आपको मिलेगा 97.2। नया एरिया। आप ध्यान से देखिए, आपको पूछा क्या है यहां पर, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर देखिए, 100 माइनस 97.2 बटा 100 इंटू क्या करेंगे, 100। देखिए यहां पर आधार आपका 100 था, इसलिए आधार को नीचे लिखेंगे, 100 और 97.2 के बीच में जितना अंतर होगा उसे हम लोग लिख लेंगे। तो 100 माइनस 97.2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 100 कैंसल, और आपके पास बचेगा कितना यहां पर, 2.8%। 2.8% क्या हुई है यहां पर, कमी हुई है, कमी। ध्यान से देखिए यहां पर 2.8% की कमी। देखिए यहां पर ये क्या था, 2D वाला क्वेश्चन था, इसलिए आप एक बार यहां पर गुणा किए हैं, एक बार यहां पर, दो बार गुणा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दो डायमेंशन वाले में आपके दो बार गुणा किए। ठीक है, 100 हमने क्या माना था, ओल्ड एरिया, पुराना क्षेत्रफल, पुराने क्षेत्रफल में एक बार वृद्धि यानी 108, और एक बार कमी मतलब 10% कमी करने पर क्या हुआ, 90 हो गया, और इसे कंटिन्यू में आप जब गुणा कर देंगे तो मिलेगा क्या, 97.2 नया एरिया हो गया, पुराना एरिया हो गया 100, दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 2.8, और यही हो गया क्या, दोनों के बीच का कमी का प्रतिशत। क्लियर है? तो कभी भी आयत हो, घन हो, या बोला जाए वृत्त हो, स्फीयर हो, शंकु हो, किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए, और अगर परसेंटेज आपको दिया हुआ है तो आप उसे घबराइए मत, उस क्वेश्चन को आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है यहां तक, किसी को डाउट है? ठीक, चलिए अगला एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। पहला आप ये खोजिए कि ये 2D वाला क्वेश्चन है कि 3D वाला क्वेश्चन,
ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है कि 2D के बारे में पूछा है कि 3D के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, घनाप की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है, 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है, इसके अलावा ऊंचाई में 50% तक की कमी हो गई है। तो ऊंचाई में क्या किया गया, 50% कमी। साथ ही साथ पूछा है कि आयतन पर वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर जैसी आयतन मुझे दिखा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि 3D का क्वेश्चन है, 2D का क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि इसमें 3 बार गुणा होने वाला है, 3 बार मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3D का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए पुराना आयतन, ओल्ड वॉल्यूम, पुराना आयतन हम मान लिए क्या, 100 मान लिए, पुराना आयतन क्या मान लिए, 100 मान लिए, क्लियर है। तो नया आयतन हमको निकालना है, नया आयतन, और नया आयतन में कितना वृद्धि हुआ है, कितना कमी हुआ है देखना है। तो मान लीजिए नया आयतन कैसे बनेगा आपका, जब 100 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि करेंगे, लंबाई में 20% की वृद्धि, मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 120 होगा, क्लियर है। इसके अलावा आपको बोला है भाई चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो 30% वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा, इंटू आप करेंगे क्या, 50% तक की कमी, 50% तक की कमी मतलब कितना हो जाएगा, ये 100 में 50 कम किए, 50 का 50 ही रह जाएगा, क्लियर है क्या। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो क्या मिलेगा देख लीजिए, ये 100 का पूरा 100 कैंसिल हो गया, ये जीरो यहां पर कैंसिल हो गया आपके पास, और ये 50 1/2 हो गया, क्लियर है। 2 को इसमें कैंसिल आउट करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 13 × 26, यहां से इसको काट लेते हैं, 13 6 बार में, ठीक है, 13 6 78, क्लियर है। तो ये 78 क्या मिल गया आपको, नया आयतन, 78 क्या मिल जाएगा आपको, नया आयतन, डन। अब ध्यान दीजिए, पुराना आयतन कितना था हमारे पास, 100, नया आयतन क्या हो गया, 78, यानी आयतन में आपको क्या नजर आ रहा है, इफेक्ट जो वॉल्यूम में पड़ा वो क्या पड़ा, कमी हुई है। अब कमी कितने परसेंट की हुई, तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 - 78/100 इंटू क्या होगा, 100, तो आपको यहां पर लगभग कमी दिख रही कितनी, 22% की, 22% की कमी आपको नजर आई है, क्लियर है क्या यहां तक। किसी को किसी प्रकार का अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपने देखे ये पूरे के पूरे व्यापम में आ चुके हैं, और संभावित है कि ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाए, क्लियर है यहां तक। यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप पूछे, उसे हम आपको और इलाबरेट करके समझाएंगे कि इसे और कैसे बनाया जा सकता है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही हम देख लेते हैं, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी गई है, इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि आपको ये 2D वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है कि 3D वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है, कि इसमें 2 डायमेंशन से रिलेटेड पूछा है कि 3 डायमेंशन से। तो आपको नजर आ रहा है कि सर यहां तो वॉल्यूम के बारे में पूछा है, तो वॉल्यूम यानी 3D के बारे में, 2D के बारे में नहीं पूछा गया, इतना चीज क्लियर है। तो 3D वाला अगर प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अलग अलग नहीं दिया है, डायरेक्टली बोल दिया कि तीनों में 10% की वृद्धि है। तो तीनों में अगर 10% की वृद्धि है, तो हम अगर माने कि पुराना जो वॉल्यूम है, पुराना जो आयतन है, पुराना आयतन अगर 100 है हमारे पास, पुराना आयतन अगर 100 है, तो नया वॉल्यूम या नया आयतन क्या होगा। तो नया आयतन कैसे निकालेंगे, 100 × ध्यान से देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3D वाला क्वेश्चन है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब वृद्धि कितना होगा, 110/100 और एक बार और गुणा करेंगे 110/100, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो कहीं पर कमी आपको नहीं करना है, 3 बार आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 0 0 कैंसिल, 10 यहां पर कैंसिल, 11 का क्यूब हो जाता है आपका कितना, 1331, क्योंकि वहां पर 10 है इसलिए जब हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1331.1, क्लियर है। अब यहां पर देखिए 100 जो है क्या बन गया, 133.1, तो आप निकालेंगे यहां पर क्या, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा बताइए, आयतन में इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इफेक्ट ऑन वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, क्या होगा यहां पर आपको मिलेगा, 133.1 - 100/100 × 100, यहां तक चीजें क्लियर है। तो आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, 33.1% की क्या है यहां पर, वृद्धि, क्लियर है यहां तक चीजें।
आशा है कि आपको ये जितने भी अभी प्रश्न बताए गए हैं पूरे के पूरे समझ में आए होंगे, और आप गारंटी ले लीजिए कि यहां से आप अभी जितने चीजों को अभी सीखे हैं यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, और आए हुए प्रश्न है जिसका हम हल किए हैं। और आज हमने देखा कि परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं और बेसिक को भी जानने का हमने प्रयास किया। ऐसे ही प्रश्न जो है हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल आपके मजबूत करते रहेंगे, ताकि आप व्यापम में जब भी आप जाएं तो अपना एक बेहतर प्रदर्शन आप करके आए, और आप जिस भी परीक्षा में बैठे वहां पर आपके लिए आपका पद में एक पद में आपका सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है? तो आगे के जो आपके इसी से आधारित प्रश्न परसेंटेज के और जो क्लासेस हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर या आगामी जैसे प्रश्न आने की संभावना है वैसे संभावित प्रश्न भी आपको हल कराए जाएंगे। बाकी किसी भी छात्र को, किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।